37वीं अंतर जनपदीय 2019 पुरुष एवं महिला बैडमिंटन व टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया। अंतर जनपदीय बैडमिंटन एवं टेनिस प्रतियोगिता में 11 टीमों का चयन हुआ था, लेकिन 7 टीमों ने ही इस प्रतियोगिता में भाग लिया। उद्घाटन समारोह का आगाज IG जोन जयनारायण सिंह व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता ने खुद बैडमिंटन खेलकर किया। पहला मैच गोरखपुर व सिद्धार्थनगर के बीच खेला गया। इस मौके पर IG वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नगर, पुलिस अधीक्षक अपराध, पुलिस अधीक्षक उत्तरी, महिला थाना प्रभारी सहित बड़ी संख्या में व खिलाड़ी मौजूद थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए IG जोन जयनारायण सिंह ने कहा,
ये 37वीं अंतर जनपदीय बैडमिंटन और टेबल टेनिस प्रतियोगिता जो है यहाँ प्रारंभ हुई है, जिसमें जोन के सभी जनपद के जो है खिलाड़ी जो हैं इसमें सम्मिलित होते हैं। कुछ जनपद के भी नहीं आए हैं, वो भी जो है आज रिपोर्ट कर जाएंगे। और उसके बाद जो हैं यहाँ से जो विजेता होता है उसके बाद जो हैं इंटर जोनल प्रतियोगिता होती है उसमें शामिल होते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं पुलिस की जो है पुरानी खेलकूद के प्रति जो है शुरू से जाते हैं पुलिस का इसमें पार्टिसिपेशन रहता है जाते हैं, उसी क्रम में जाते हैं ये जनपद स्तर की जो प्रतियोगिता है अंतर जनपदीय, इससे जाते हैं हमारे खिलाड़ियों के बीच में और उत्साहवर्धन होगा और जाते हैं मतलब और इसकी जो है ये जो 3 दिवसीय प्रतियोगिता जाते हैं और ये सकुशल जो है सम्पन्न होगी।